अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या नबी मोहम्मद अलैहि सलातो व सलाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया? नहीं, शुक्र बढ़ाइए, इनाम को पाइए। अल्लाह ने प्यारे नबी मोहम्मद अलैहि सलातो व सलाम को क्या क्या इनामात दिए, अम्मी जान बयान करती हैं कि रात भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हालते कयाम में रहे। सुबह हुई, मैंने देखा आपके कदमों में स्वेलिंग पैदा हो चुकी है, सूज गए हैं। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व सलाम, इतनी इबादतों की क्या जरूरत है? कहा, अफला अकूना अब्दन शकूरा। कहा, आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के न रहूं? शुक्रगुजार बंदा बन के न रहूं? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात देखिए कि पूरी तारीख इंसानियत में, पूरी तारीख इंसानियत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तन्हा है, ये अकेले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो इनाम दिया जो किसी और के मुकद्दर में नहीं था, वो इनाम दिया जो किसी और के नसीब के अंदर नहीं था। दुनिया का ये कानून है, दुनिया में कानून बनता है, लिखने के बाद बनता है, दस्तूर बनता है, लिखने के बाद बनता है, आइन बनता है, तहरीर और तकरीर के बाद बनता है। पूरी तारीख इंसानियत में मोहम्मद वो हैं अलैहिस्सलाम के जिनकी खामोशी भी कानून बन जाती है, जिनका चुप रहना भी आइन बन जाता है, जिनका चुप रहना भी दस्तूर बन जाता है। आप किसी काम को देखे खामोश रहे, आपका खामोश रहना कानून बन गया। आप किसी काम को देखे चुप रहे, आपका चुप रहना आइन बन गया। आपका चुप रहना रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए दलील बन गया, हुज्जत बन गया, शरीयत बन गया, दीन बन गया। और आप जानते, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने यह बात क्यों कही कि तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है? अल्लाह ने आपको यह इनाम दिया, शुक्रगुजार नबी को अल्लाह ने यह इनाम दिया। और अल्लाह अकबर कबीरा, कितना सुनहरी बाब है सीरत का, कितना सुनहरी बाब है कि पूरी तारीख इंसानियत में, पूरी तारीख इंसानियत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तन्हा है, ये अकेले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनकी सारी जिंदगी को कुरान की तरह महफूज करके रख दिया है। अल्लाह कुरान की तरह, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका पकड़ना, आपके रोजो शब, आपके लैलो नहार, आपकी खुशियां, आपका गम, आपकी एक एक अदा को, एक एक हरकत को, एक एक एक्ट को, एक एक अमल को अल्लाह ने कुरान मजीद के तेरे महफूज करके रख दिया। जब ही अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, आप शुक्र गुजार बन के रहे तंगियों में, परेशानियों में अल्लाह ने वो इनाम दिए जो किसी और के मुकद्दर और नसीब में नहीं थे।